स्टॉप भी पीऊँगा यार, क्योंकि लहसुन खाया है ना तो वो गर्म होता है, अभी खजूर का नहीं पिया जाएगा यार, बहुत हेवी हो जाएगा। आप क्या पियोगे? हम तो खजूर वाले नहीं, लहसुन दरअसल अली भाई गर्म होता है ना, सोचा था ना उसके ऊपर अगर मैं पीऊँगा ना अपना खजूर का तो तबीयत आउट हो जाएगी, इसीलिए मैं स्ट्रॉबेरी पीऊँगा। खजूर वाले मैं स्ट्रॉबेरी पीऊँगा। बनाना, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, चीकू, चॉकलेट, खजूर, बादाम, काजू, श्रीखंड, ओरियो, मार्स। एक तो लिया क्या? एक स्ट्रॉबेरी। एक स्ट्रॉबेरी लिया और एक लिया। आज यार लंच अली भाई बहुत हेवी हो गया यार। एक तो पहले कलेजी मसाला यानी मटन लिवर मसाला, रोटी, फिर उसके बाद लहसुन। मज़ा आया ना? मज़ा तो आया लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी, तो आदत नहीं है ना दोपहर में इतना हेवी लंच करने की, बहुत हेवी हो गया। आदत नहीं, मैं तो मुझे अच्छा लगता यार। आप तो माशाल्लाह से वो बोलते हैं ना, वो खाने की मशीन हो चाहिए ना आप, वो खाने की मशीन। और अपन से ना इतना हेवी नहीं खाया जाता यार, लिमिट में चलते हैं, है ना गाइस। आपने देखा मुझे कभी इतना टूटते हुए या इतना खाते हुए नहीं देखा ना, ये बस अली भाई की संगत में रह रहे के ना मैं बिगड़ रहा हूँ, खाने पीने के मामले में बिगड़ रहा हूँ, यानी अच्छी चीज़ में बिगड़ रहा हूँ, गलत चीज़ में नहीं बिगड़ रहा हूँ। अली भाई दे दिया ऑर्डर, दे दिया बेटा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओम शामो 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 शाशम। यार जब से ये मेरा भाई उजड़ा चमन हुआ है ना, पता नहीं मेरे को अमरीश पूरी की बड़ी याद आ रही है, वो खुश हुआ। ये आ गया अली भाई का खजूर का शेक। क्या हुआ, बर्फ डलवाने भेजा? अबे अल्लाह के बंदे सर्दी है यार। अरे ठंड में तो मजा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। देखा आपने, खजूर का शेक, स्ट्रॉबेरी का शेक, ज्यादा बर्फ आ गया, साथ में आया बुखार, नज़ला, जुखाम, हालत ख़राब। 3 दिन से बिस्तर पे पड़ गए भाई, बुखार ने ले ली, नज़ले जुखाम ने ले ली सही वाली। आपका भाई हो गया बीमार 3 दिन बाद, आज जाके तबीयत कुछ बेहतर हुई है, कुछ जान में जान आई है। और कल से जो ठंड ने अपना समा बांधा है ना हवाओं ने, ओहो मत पूछो भाई, बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा। तो वीडियो एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई को अपनी दुआओं में याद रखें कि तबीयत बेहतर हो जाए तो अच्छी अच्छी चीज़ें, नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको उसी तरह एंटरटेन करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।